हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेलगे जो आज का वीडियो होने वाला है वो खासकर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन प्लेयर्स के लिए होने वाला है कि अगर आप पे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन अगर आप पे लैग करता है या आप वॉर जोन खेल नहीं पा रहे हैं, आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट कम है या आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास सफिशियंट डेटा नहीं है, तो भाई इस वीडियो पे आपका सभी सोल्यूशन होने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। ये नहीं कि भाई तुरंत जाके फाइल्स को डाउनलोड करने लगे और गेम को खेलने लगे, ऐसा नहीं। आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और दोस्तों एक बात और कि यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए वॉर जोन को खेलने के लिए। सबसे पहली बात थी, आपको सबसे पहले FPS बूस्ट पैक डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको मेरे वेबसाइट पर मिलेगा। दूसरी बात, गेम को डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, 2GB के पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो आराम से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड प्ले कर सकते हो। नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन का लेटेस्ट अपडेट का, तो भाई उसे जरूर से जाके चेकआउट करना कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं पार्ट्स में। दूसरी बात कि यहाँ पर भाई आपके पास भी भाई डुअल कोर 512MB ग्राफिक कार्ड में कॉल वॉर जोन चलाओ तो ये तो भाई असंभव है, आप खेल ही नहीं सकते। यहाँ पर आपके पास मिनिमम रैम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 1GB होना चाहिए, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 का प्रोसेसर होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो भैया 200GB खाली रखना अपने PC या लैपटॉप पे इस गेम को खेलने के लिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई देखो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, दबाओगे तो नौरी पापा आपके सपने में आएंगे, एंड फिर मेरे को मत बोलना कि आदित्य भाई ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसे हुआ, ठीक है। तो चलो वीडियो को, बल्कि सबसे पहले आपको वॉर जोन का लो इन PC का FPS बूस्ट पैक डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और भैया वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड जब यहाँ पर जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो भैया पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड है BYTP, प्यार से लिखोगे आराम से एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको सभी कैपिटल लेटर पे लिखना है BYTP एंड सिंपली ओके पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपका 30KB का टोटल फाइल है, तो भाई ज़्यादा कुछ साइज नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगे, तो यहाँ पर CMD फाइल दिखेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, आपको इन दोनों में डबल टैप करना है। एंड बेसिकली ये कैशे क्या करेगा, जितने भी आपके टेम्प फाइल है, जितने भी आपके PC में जंक फाइल है या जो भी अनवांटेड फाइल है, ये उन सभी को डिलीट करेगा एंड आपके PC को जितना हो सके फ्री करेगा। हमें जंक फाइल में क्लिक करना है और ये ऑलमोस्ट हमारा सभी काम यहाँ कंप्लीट होता है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 2, हमें कन्फिग फाइल में जाना है, सिंपली आपको कन्फिग फाइल को ओपन करना है। जैसे यहाँ पर आप कन्फिग फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दो कन्फिग मिलेगा, एक लो और एक सुपर लो, पर मैं सुपर लो कन्फिग को यूज़ करूँगा। सिंपली आपको इन दोनों को कॉपी करना है, ठीक है, एंड आपको आप जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर पर। याद रखना यहाँ पर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन का आपको एक फोल्डर मिलेगा, सिंपली उस पर जाना है। यहाँ पर आपको प्लेयर्स पे जाना है एंड जो फाइल आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर इसे यहाँ पर प्ले पेस्ट कर देना, रिप्लेस मांगेगा रिप्लेस कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा कन्फिग है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सिंपली बैक चलना है, फिर से हमें उसी फोल्डर पर जाना है जहाँ हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। अब हमें जाना है प्रॉक्सी पे, ठीक है, तो प्रॉक्सी में जाना है एंड सिंपली 1x1 सभी प्रॉक्सी को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, डबल टैप करो, यस करो, ठीक है। तो मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा प्रॉक्सी फाइल भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टाइमर रेजोल्यूशन को आपको सिंपली ओपन करना है, बट अभी इसे मिनिमाइज करके रखना। तो यहाँ पर हमारा जो भी फाइल इंस्टॉल वाला काम कंप्लीट होता है, अब हमें कुछ विंडोज पे सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, बैकग्राउंड ऐप सर्च करना है, एंड अगर इन केस यहाँ पर आपका बैकग्राउंड ऐप ऑन है तो सिंपली इसे आप ऑफ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट होता है। अब हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है गेम मोड, ठीक है, ओके। तो जैसे देख सकते हैं गेम मोड सेटिंग में हम आ चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा, सिंपली अब यहाँ पर ऑन कर लेना और ग्राफिक सेटिंग्स पे यहाँ पर आपको आना है। और ग्राफिक सेटिंग में अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है हार्डवेयर एक्सेलरेशन, तो सिंपली आपको इसे ऑन करना है और अपने PC को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है आपके PC या लैपटॉप पे तो इस गेम मोड को ऑन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये भी काम कंप्लीट होता है। अब क्या करना है, हमें फिर से सर्च बार पे आना है और यहाँ पर हमें लिखना है पावर
आपको दिखेगा एडिट चूज पावर प्लान में आपको जाना है, तो कुछ इस तरह से आपको विंडोज यहां पर खुल जाएगा। तो जैसे ही आपने जो हमारा प्रॉक्सी इंस्टॉल किया था पावर परफॉर्मेंस वाला, तो सिंपली आपको यहां पर अनलिमिटेड का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इसे आपको चेक करना है एंड यहां पर इसे क्लोज कर लेना है। अब आपको फिर से दोस्तों यहां पर सर्च बार में जाना है एंड यहां टाइप करना है एडवांस व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। तो ये खुलेगा कुछ इस तरह से, सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है एंड यहां पर आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको क्लिक करना है एंड सिंपली यहां पर आपको ओके करके लास्ट में अब एक सेटिंग और करना है। याद है जब मैंने आपको कहा था कि टाइमर रेजोल्यूशन को आपको मिनिमाइज करके रखना है, तो जब भी आप गेम खेले दोस्तों इसे आप सिंपली मैक्सिमम पे कर ले, ठीक है। एंड इसे मैं यहां पर मिनिमाइज करता हूं एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली गेम को स्टार्ट करना है। तो फटाफट से यहां पर मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारा गेम चालू हो चुका है। यहां पर आपको ग्राफिक्स थोड़ा डल देखने को मिलेगा, भाई उतना भी नहीं मिलेगा कि मतलब गेम खेल ही नहीं पाए, मतलब सब इनविजिबल। यहां पर आपको थोड़ा ग्राफिक्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट यहां पर जो आपका FPS है वो 110% बूस्ट होने वाला है एंड आपके 4GB रैम पे ये गेम आराम से चलने वाला है। अगर आपको गेम को डाउनलोड करना है वॉरजोन को पार्ट्स में, तो वो भी आप मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। देखो तुम यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई दिल से बुरा लगता है, सच बता रहा हूँ, भाई बोल के बोल रहा हूँ, भाई बहुत ही खराब लगता है। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर डालो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को स्टार्ट करते हैं।